चलिए दोस्तों, आ गया है संडे, वक्त होता है हैशटैग आस्क अरुण एपिसोड नंबर 220 का। आप सोच रहे होंगे कि मेरे चेहरे पे ये कलर्स क्या है। जी हाँ, आपका संडे है लेकिन हम शूट कर रहे हैं होली के दिन के ऊपर। जी हाँ, अभी अभी पूरी टीम ने होली खेली ऑफिस के अंदर और मैंने कहा आपके सामने भी ऐसे आ जाऊं क्योंकि कलर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलर हर चीज में जान डाल देती है, वैसे ही आस्क अरुण में भी जान डालने वाला है ये सब कलर्स। वैसे आपने होली कैसे खेली जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। हैशटैग आस्क अरुण अच्छा लगता है तो जरूर 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 लाइक कीजिएगा। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में कहा, बहुत सारे लोग आते हैं हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। उतना ही दोस्तों, इतना सब कुछ करते हैं आपके लिए, एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। चलिए ज्यादा वक्त नहीं जाया करते हैं, लेते हैं पहला सवाल। आता है निहाल सिंह से, पूछते हैं विशिंग यू अ वेरी हैप्पी होली। थैंक यू। हाउ डिड यू हैव योर होली? होली तो हो गई है तो कैसी खेली नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। उनका सवाल है M1 चिपसेट जो है वो नए कंसोल्स पे क्यों नहीं आते, सो दैट इट कैन ऑफर बेटर परफॉर्मेंस एंड मोर फ्यूचर प्रूफ। ऐसे कुछ नहीं यार, कंसोल्स भी अभी बहुत पावरफुल हो गए हैं। अभी जो PS5 वगैरह आ गया है सुपर डुपर पावरफुल है, ज़रूरत नहीं। और वैसे भी एप्पल की जो M1 चिपसेट है, एप्पल तो गेमिंग में नहीं आने वाला है, तो मतलब गेमिंग के लिए वो कंसोल वगैरह क्रिएट मुझे नहीं लगता है करेगा। सो या इट्स नॉट गोइंग टू कम इन माई व्यू। सचिन पनवर पूछते हैं चाइल्डहुड होल मेमोरी ऑफ होली सेलिब्रेशन। अरे चलो एकदम बचपन की एक स्टोरी सुनाता हूँ। बचपन में मैं कानपुर रहता था और कानपुर में हमारा घर जो था ना फर्स्ट या सेकेंड फ्लोर पे था, तो हमेशा जब बच्चे सब मेरे दोस्त आते थे और ऊपर हमारा टेरेस तो नहीं था, एक बालकनी सी थी और नीचे ही रास्ता था, तो हम पानी के गुब्बारे जो है ऊपर से मारते थे और छुप जाते थे। जी हाँ, कितने लोगों ने ये किया हुआ है ज़रूर बताइएगा। अभी भी याद है मुझे, मार भी खाई हुई है मैंने उसकी वजह से, इसलिए याद है, दैट इज द रीजन आई रिमेंबर दैट। होली की जो मेमोरी है बहुत क्लियर है मेरे दिमाग में। साकी पूछते हैं डज फोन्स कैमरा क्वालिटी गेट पुअर ओवर टाइम, इफ यस इज इट कॉज बाय हार्डवेयर लाइक कैमरा से? नहीं, देखिए खराब नहीं होता है, बट क्या होता है यूज करके ऊपर का जो लेंस वगैरह उसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो कभी कभी फोकस वगैरह नहीं होता है तो वो इश्यूज आ जाते हैं। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि जब अपडेट्स होते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट्स, तो कहीं पे कुछ ब्रेक हो जाता है, कुछ बग होता है उसकी वजह से। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि पहले आपका कैमरा अच्छा था और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है और आपका कैमरा। वैसे दोस्तों बीच में से ही लाइट चली गई थी, जी हाँ, इसीलिए थोड़ा बीच में ब्रेक हुआ। लेकिन आपको जैसे बता रहा हूँ, नहीं ऐसे नहीं होता है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है और कैमरा की क्वालिटी कम हो गई है टाइम की वजह से, नहीं होता है ऐसे। वैसे आपका और एक सवाल है, iQOO Z6 Vivo T1 वर्थ बाइंग इफ प्रायोरिटी इज 5G? नहीं, अगर 5G प्रायोरिटी है यार, दो बैंड्स बहुत कम हो गए, कम से कम 7-8 बैंड्स तो होने चाहिए मेरे हिसाब से ताकि यू आर सेफ, सो देन आई विल नॉट सजेस्ट। बट परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूँगा आप Vivo T1 या फिर Z6 के पास डेफिनेटली देख सकते हो। अरे क्या है ये, आज क्या हो रहा है? आयुष सावरे पूछते हैं अरुण दादा यू एंड योर टीम आर सुपर अमेजिंग। अरे हमारी टीम तो जबरदस्त है ही यार, सवाल ही नहीं आता है, वो जबरदस्त है इसलिए मैं आप लोगों को लगता हूं कि जबरदस्त हूं। ऐसे मैं जबरदस्त नहीं हूं, हमारी टीम ज्यादा जबरदस्त अमेजिंग है एंड थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग इट। द वे ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एडिटिंग इज नेक्स्ट लेवल। अर्जुन को थैंक यू बोलो, आजकल एडिटिंग में अर्जुन जो है ना वो पूरी टीम को संभाल रहा है, सो अर्जुन काम ले, थम्सअप दो सबको, अर्जुन को आप सबने थम्सअप दो। जी हाँ, तो उसका मोराल भी थोड़ा बढ़ जाएगा। माय क्वेश्चन इज व्हाट वुड यू प्रीफर, सैमसंग टैबलेट और एप्पल टैबलेट? मुश्किल सवाल है यार, लेकिन मैं फिर भी सैमसंग फ्लैगशिप टैबलेट कहूँगा। जो उनका एस सीरीज का S8 अल्ट्रा आया हुआ है, हमें भेजा नहीं है सैमसंग ने, लेकिन मेरे हिसाब से दैट विल बी फिनोमिनल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। फुताबा रियो पूछते हैं सर दिस ईयर विल वी सी iPhone 14 सीरीज नॉट चेंजेस और इट इज? नहीं, प्रो में आपको ये दो पंच होल आने वाले हैं कटआउट्स, ऐसे कहा जा रहा है। नॉन प्रो में भी नॉच जो है नॉच होगी लेकिन छोटी होगी अभी के जो iPhone 13 से उससे, सो दैट इज व्हाट रूमर्स आर। देखते हैं यार, आने के बाद पता चल जाएगा। नॉच इज बिकम सच अ बिग थिंग इन 2022। क्या क्या चीजें एप्पल करता है और लोग एक्सेप्ट कर देते हैं। आज भी हम नॉच के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एंड्रॉइड के किसी फोन में वाटर ड्रॉप नॉच आ गई तो हम गाली देते हैं लिटरली, और इतनी बड़ी बोर्ड नॉच डाली हुई है फिर भी हम, हाँ यार आईफोन है, एप्पल है, पीछे लोग खरीदते हैं 50-60-70-70 हज़ार रुपए देते हैं, सोचिए। राशुल चौहान पूछते हैप्पी होली टू यू सर। थैंक यू, सेम टू यू, लेकिन हो गई अब होली। आई वॉन्ट टू आस्क दैट वेन विल इंडियन कंपनीज माइक्रोमैक्स एंड लावा लॉन्च देयर फ्लैगशिप फोन्स? यार एक बात कहूँ, मुझे इसका बहुत बुरा लगता है बिकॉज मुझे इंडियन कंपनी आगे आनी चाहिए, ये बहुत इच्छा होती है, बट
देखिए बजट या मिड रेंज फोन्स भी वो जो लॉन्च करते हैं ना, दे आर नॉट अप टू द मार्क. मतलब बिल्ड क्वालिटी हो, परफॉर्मेंस हो, कैमराज हो, तो फ्लैगशिप तो यार बहुत ही आगे वाली चीज़ है. पहले दे शुड गेट देयर एक्ट टुगेदर व्हेन इट कम्स टू प्राइसिंग, व्हेन इट कम्स टू चिपसेट्स, व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी. तो वही उसी पे स्ट्रगल कर रहे हैं अब इंडियन कंपनीज. अब क्या कहूँ दोस्तों. किरण एस आर पूछते हैं, हेलो सर, बिग फैन ऑफ यू ट्रैकिंग टेक चैनल सिंस वन ईयर. माई क्वेश्चन इज वेन इज 5G कमिंग टू इंडिया. आपको एनी ऑक्शन रोल आउट इन सिटीज फॉर ट्रैकिंग टेक मर्चेंडाइज. ओके, पहले 5G के बारे में कहता हूँ. मई में ऑक्शन होने वाले हैं. बाय एंड अक्टूबर फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2022 में कुछ सिटीज में, जो मेन मेट्रो सिटीज वगैरह ना, जैसे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, इन जगह पे आपको दिखेगा. ऐसे लग तो रहा है पहले वो छोटा सा पायलट कुछ कुछ सिटीज में रन करेंगे, उसके बाद में फिर रोल आउट करेंगे. ट्रैकिंग टेक मर्चेंडाइज का यार थोड़ा इशू हो गया है, आने तो वाला है, मैंने पहले भी कहा है, बट जो भी हम कर रहे थे हमें इतना अच्छा नहीं लगा. वी वॉन्ट एब्सोल्युटली टॉप नॉच क्वालिटी एट रॉक बॉटम प्राइजेस. तो उसी के लिए झगड़ रहे हैं, आप ही के लिए झगड़ रहे हैं. सो या कुणाल कर दिए पाटिल पूछते हैं, माई क्वेश्चन इज विच इज योर फेवरेट बाइक एंड कार एंड करंटली हाउ मेनी व्हीकल्स डू यू हैव. अरे बाप रे, फेवरेट बाइक यार देखो, फेवरेट हम मेरी चेंज होती रहती है. वैसे मेरी फेवरेट बाइक अब तक आई नहीं है. वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी, सुपर बाइक होगी, माइलेज जो है मतलब एक सिंगल रिचार्ज पे 500 किलोमीटर की रेंज होगी, तो वो अभी तक आई नहीं है मैं कहूँगा. बट अभी मेरी जो फेवरेट है, परसों ही जो रॉयल एनफील्ड की स्क्रैम 411 है, 2.25 लाख में बहुत अच्छी गाड़ी है दोस्तों. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट. सो वो मैं कहूँगा. एंड कार, कार भी इलेक्ट्रिक कार अभी आनी है, बाकी है. राइट नाउ माय फेवरेट इज फॉर्च्यूनर, जो मैं ओन करता हूँ. वैसे मेरे पास ज़्यादा नहीं, एक बुलेट है, क्लासिक 350 बुलेट जो मेरी पहली थी, एंड फॉर्च्यूनर है, ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों. साहिर रहमान पूछते हैं, नाउ दैट आईपैड एयर हैज़ M1 चिप, कैन इट बी लैपटॉप रिप्लेसमेंट एट इट्स प्राइस रेंज. हाँ, वैसे भी देखिए, पहले भी मैं कहूँगा कि बहुत पावरफुल थे आईपैड. मतलब बहुत सारी चीज़ें जो शायद आप लैपटॉप पे नहीं कर सकते, वो आप आईपैड पे कर पाते थे. सो यस, एब्सोल्युटली यस, लैपटॉप रिप्लेसमेंट हो सकता है. प्रॉपर आपने अगर कीबोर्ड वगैरह ले लिया उसके साथ में, यू आर डन. वरुण पटेल पूछते हैं, सर माय क्वेश्चन इज व्हेन विल रियलमी GT Neo 3 लॉन्च इन इंडिया. ये शायद 22 तारीख को चाइना में लॉन्च हो रहा है, एंड फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल में शायद इंडिया में आ जाएगा. कृष्णा अग्रवाल पूछते हैं, इज आईफोन SE 2022 वर्थ बाइंग फॉर एंड्रॉइड यूजर, प्लीज आंसर. बाय द वे बिग फैन, जाके देखिए आईफोन SE 3 का हमने डाल दिया है वीडियो. मुझे थोड़ा ओवर प्राइस लगा मेरे हिसाब से. तनुष बंसल पूछते हैं, व्हाट आर योर व्यूज ऑन क्रोम OS फ्लेक्स. यार अच्छा है, बिकॉज देखिए एनवायरमेंट के लिए भी फायदा है. जनरली क्या होता है, पुराना लैपटॉप हम फेंक देते हैं, लेकिन इफ़ यू कैन इंस्टॉल क्रोम OS फ्लेक्स और थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, ब्राउजिंग वगैरह कर सकते हैं, इट इज़ नॉट बैड. सो या आई थिंक आई हैव गॉट गुड. इसके ऊपर एक शॉर्ट्स करेंगे हम, डेफिनेटली एक शॉर्ट्स करते हैं, इंस्टॉल करके आपको दिखा देंगे. दैट्स अ गुड आइडिया. वॉट गॉट यू इंटरेस्टेड इन टेक? आई डोंट नो यार, पहले से ही, बचपन से तो नहीं, बट व्हेन आई वाज 18-19 ईयर्स ओल्ड, तब से टेक में हूँ. बेसिकली इंटरनेट मेरा जो टेक के साथ, देखिए मेरा जो एजुकेशन है वो सिविल इंजीनियरिंग है, बट मैं कभी भी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बिल्डिंग्स के सामने, बिल्डिंग बनाते हुए मैंने कभी कुछ नहीं किया है. मैंने सिर्फ स्क्रीन के सामने ही जो कुछ किया है. तो वैसे ही टेक का जो इंटरेस्ट था वो पैदा हुआ. पहले से गैजेट्स, मतलब जब फ़ोन्स नहीं थे उसके पहले पेजर्स थे ना, तब से मैं गैजेट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ. एंड जब फ़ोन्स भी आए थे तब 16 रुपये इनकमिंग पर मिनट देता था, 32 रुपीज आउटगोइंग था. सबसे पहले जब आया था आई थिंक 2000 में, तब मेरे पास फ़ोन था सबसे पहला, नोकिया वाला, वो बड़ा सा. सो यार पहले से ही गैजेट्स के अंदर है, इट वॉज ऑलवेज देयर, दैट पैशन वॉज ऑलवेज देयर. डू यू थिंक दैट मेन पर्पज ऑफ आईफोन SE इज टू गेट पीपल? नहीं, ऐसे तो नहीं है. आईफोन SE थर्ड जनरेशन जो है, अगर आपको टच आईडी चाहिए तो ही है, वरना मेरे हिसाब से नहीं है. कृष्णा किसान पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ताकि मोबाइल ब्रांड्स को बॉक्स में चार्जर दे. इनफैक्ट साउथ, शायद ब्राज़ील या कोई कंट्री है, जब पता नहीं कोई कंट्री है साउथ अमेरिका में जिन्होंने लेजिस्लेशन पास किया है और एप्पल को फॉलो करना पड़ा कि नहीं, बॉक्स के अंदर आपको चार्जर और केबल देना है. सो इंडिया में भी अगर करता है, आई वेलकम दैट डिसीजन, दैट्स फॉर श्योर. करना चाहिए, मज़ा आ जाएगा एटलीस्ट. क्योंकि देखिए अब ये ट्रेंड बन रहा है, सैमसंग ने उनके मिड रेंज का एक जो 20,000 का फोन है उसके अंदर से भी हटा दिया यार चार्जर. आई मीन दैट्स नॉट डन, दैट्स एब्सोल्युटली नॉट डन. सिद्धार्थ शर्मा पूछते हैं, फर्स्टली अरुण सर, आपको आपकी टीम को होली
आपकी सारी शुभकामनाएं, थैंक यू जी, थैंक यू। माय क्वेश्चन इज, आजकल मिड रेंज स्मार्टफोन में क्यों वाइड एंगल सेंसर गायब कर रहे हैं? पता नहीं यार, पता नहीं मुझे क्या, बट प्राइस देखिए, हर चीज़ की प्राइस बढ़ रही है, चिपसेट शॉर्टेज है, और वाइड ऑब्वियसली अगर अल्ट्रा वाइड डालना है तो खर्चा बढ़ जाता है, तो प्राइजेस कम रखने के लिए शायद होगा, बट नहीं करना चाहिए, अनएक्सेप्टेबल। अल्ट्रा वाइड होना चाहिए, मतलब 10,000 के ऊपर कोई भी फ़ोन होगा मेरे हिसाब से तो उसमें अल्ट्रा वाइड होना चाहिए, लेकिन आजकल 15,000-18,000-20,000 के फ़ोन में भी निकाल रहे हैं यार, क्या बोलूँ, 50+2+2 दे देते हैं, मजाक है। नितिन बिजू पूछते हैं, रेडमी K50 सीरीज एंड मी 12 सीरीज हैव लॉन्च इन चाइना, एनी न्यूज़? आएंगे इंडिया में, लेकिन नाम अभी रेडमी K50 सीरीज का जो है वो मी 12X सीरीज के नाम से आ जाएगा। रेडमी K50 गेमिंग जिसका वीडियो हमने ऑलरेडी कर दिया है वो पोको F4 GT वगैरह नाम से आ जाएगा, तो रीब्रांड होके आ जाएंगे, एंड दे विल कम, दे विल प्रॉब्ली कम अप्रैल वगैरह आ जाएंगे, अगले 1-1.5 महीने में डेफिनेटली दे विल लॉन्च इन इंडिया। हेलो, आई एम अदनान, विल वन प्लस नॉट सी टू लाइट ऑफर एमोलेड पैनल? नहीं, मुझे नहीं लगता 120 हर्ट्स होगी, लेकिन एमोलेड पैनल नहीं होगा मेरे हिसाब से। MS पूछते हैं, अरुण दा, व्हाट मैटर्स मोर, बैटरी ऑफ अ फोन और चार्जर ऑफ अ फोन फॉर लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी? दोनों भी होने चाहिए यार, ऐसे नहीं है, मतलब आप 6000 मिली एम्पीयर की बैटरी दे दो और 10 वॉट का चार्जर दे दो, मतलब ही नहीं बनता, मतलब 4-4 घंटे आप स्पेंड करोगे, सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस। कम से कम 4,500 मिली एम्पीयर की बैटरी होनी चाहिए, एंड चार्जिंग में कम से कम मेरे हिसाब से 30 वॉट अब होना चाहिए, इवन इन मिड रेंज बजट रेंज में 18 वॉट अब हटा देना चाहिए, जैसे पहले 10 वॉट था वो 18 वॉट हो गया, अब मैं कहता हूँ कि 30 वॉट पे आ जाना चाहिए इवन बेस फोन्स, दैट विल बी बेस्ट। सर, कैन यू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फास्ट चार्जिंग? यार इसके ऊपर तो एक पूरा अगर डिटेल में जाना है, बट सी बेसिकली वॉटेज जो होता है, वॉट जो होते हैं कि आप कितना करंट दे रहे हो, मतलब कि सी इट इज़ लाइक फिलिंग इन, एक छोटा पाइप होगा और ज़्यादा फोर्स नहीं होगा तो ग्लास भरने में टाइम लगेगा, बराबर है, वैसे ही अगर ज़्यादा फोर्स से और ज़्यादा मोटे पाइप से आप पानी भरोगे बाल्टी में तो जल्दी भर जाएगी, वैसे ही कुछ है, आई मीन आई एम जस्ट सेइंग, गिविंग यू एनालॉजी, बट बेसिकली ज़्यादा वॉटेज अंदर जाता है तो बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है। अब बहुत सारे अलग अलग, कभी कभी दो दो बैटरी इस्तेमाल करते हैं जो पैरेलली चार्ज होती है, तो उसकी वजह से उसका जो चार्जिंग हो जाता है वो जल्दी हो जाता है, सो फास्ट चार्जिंग के भी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, सो वी मे मेक अ वीडियो ऑन दिस डेफिनेटली। या श्रवण पूछते हैं, भाई इफ फोन्स असेंबल इन इंडिया, इफ देर इज चांस डू, अच्छा इफ आईफोन्स आर असेंबल्ड इन इंडिया क्या प्राइस कम होगी? यार अभी तक तो ऐसे लग रहा था 1-2 साल पहले कि इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चर हो जाएंगे, होने भी लग गए, फिर भी प्राइस कम नहीं हो रही है, क्या करें। तौफीक अहमद पूछे हैं, सर क्या फ्यूचर में कभी फोन में 360 डिग्री कैमरा होगा? हाँ क्यों नहीं होगा यार, 100% हो सकता है, सवाल ही नहीं, हो जाएगा। एंड सब्सक्राइब, जी हाँ, आज के जो सवाल है वो खत्म होते हैं इधर ही, कैसे लगे, अच्छे लगे ना दोस्तों, लाइक कर दीजिए, जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड।